नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव आपके सामने हिंदी की संपूर्ण कोर्स लेकर के प्रस्तुत हूँ बुंदेलखंड वाईफाई अपने यूट्यूब चैनल में। और आपको मैं जिस क्रम से हिंदी को पढ़ाऊंगा उस क्रम से मैं आपको आज तो समझाना चाहता हूँ कि टॉपिक वाइज इस प्रकार से प्रतिदिन एक क्लास मिलेगी हिंदी की, और साथ में जो आपने संविधान चल रही है तो उसके पश्चात एक क्लास हिंदी की। तो आप लगे रहिए, हम भी आपके साथ में बराबर इसके साथ चलेंगे। और जैसे कि पुलिस और पेपर आते हैं और साथ में जैसे यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में हिंदी का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, उसी आधार पर हमने हिंदी का ये टॉपिक किया है जिससे कि आपको हिंदी से रूबरी कराया जाए। और जिस प्रकार से हिंदी को पढ़ाएंगे उसके हम आपको पूरी तरीके से बताएं कि बेसिक तरीका रहेगा, और इस बेसिक तरीके से हम आपको एक एक करके सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएंगे और कुछ नहीं छूटने देंगे, घबराइए नहीं। और जितना इसमें शॉर्ट करके लिखा है इतना है नहीं, इसमें पूरी हिंदी समाहित है। और इस पूरी हिंदी को लमसम 40 क्लास में 50 क्लास में तो पहुंच जाएंगी। तो ये फर्स्ट क्लास है और ये एक डेमो के रूप में है, जैसे कि आपको हम ये बताएं कि इतनी ये प्रकार से हम पढ़ाएंगे और इनको बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से जैसे कि ये वर्णमाला है, तो ये वर्णमाला है तो वर्णमाला में क्या क्या आता है इसके बारे में पूरी जानकारी, और साथ में जो वर्णमाला में क्या क्या नहीं आएगा ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि परीक्षा में ये जरूरी होता है कि हम किस चीज में ज्यादा ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि सब कुछ लपेट कर पढ़ लें बहुत सारा ज्ञान, अगर सक्सेस लेनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज नहीं पढ़नी, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल ये चीज तो पढ़ना है। तो वर्णमाला में जैसे हम जानते हैं कि प्राण वायु कितने वर्ण होते हैं और इसमें क्या क्या होता है, तो पूरे वर्णमाला के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि वर्णमाला पूरी तरह के सुवर्ण मतलब कि अक्षरों के समूह जो होता है, तो उसके पूरा एक एक करके हम आपको बताएंगे। दूसरी आती है संधि, ये जो संधि है तो संधि जो तीन प्रकार की है, फिर उनके जो प्रकार हैं और भी जितने भी प्रकार है सबके बारे में बताया जाएगा। जैसे समास के जो प्रकार है जितने प्रकार के होते हैं और इनके एक एक करके इनकी जानकारी दी जाएगी, और समास को एक बेसिक तरीके से समझ आपको दी जाएगी कि किस प्रकार से मतलब पढ़ना है। और पर्यायवाची के बारे में तो आपने बचपन से देखा होगा कि पर्यायवाची हम किसे कहते हैं, एक नाम या अनेक नाम होनी को कहते हैं पर्यायवाची, तो पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची के बारे में हम आपको जानकारी पूरी तरीके से देंगे और किस प्रकार से मतलब उनको समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और साथ में इनको याद कैसे किया जाता है उसकी शॉर्ट ट्रैक बहुत अच्छी बताएंगे, आप लगे रहिए। और विलोम शब्द भी कहते हैं बहुत सारे होते हैं, और उसके साथ साथ मान लो कि कितना हम रटते हैं इससे मतलब नहीं है कितने रट, लेकिन हम आपको वो चीज तरीके समझा कर अगर उनमें बताएंगे कि इस तरीके से विलोम शब्दों को देखा जाता है, हर एक विलोम शब्द का एक एक अर्थ होता है। अगर हिंदी को अच्छे से आप समझ जाइएगा तो विलोम शब्द बिल्कुल ईजी हो जाता है, पर्यायवाची वैसे ईजी हो जाता है, क्योंकि हम आम बोलचाल भाषाओं में हम प्रयोग करने लगते हैं वो शब्दों को। इसी प्रकार से विलोम शब्द अब कारक आ गया, ये तो कारक को भी पढ़ाया जाएगा, कारकों का जीवन में क्या प्रभाव है यह हम आपको बताएंगे कि कारक हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, हम कारकों की वजह से ही हम किसी को सम्मान देते हैं, तो क्या नानी ने क्यों लगाते हैं, सम्मान भाव निकालना होगा तो उनके पर उन्होंने हम ये सब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि अगर कारक नहीं होते तो ये शब्दों का बिखराव हो जाता, और बिखराव को समेटने के लिए एक सेटलमेंट देने के लिए एक सीक्वेंस देने के लिए कारकों का प्रयोग किया जाता है, कारकों का जीवन में भी बहुत महत्व है। इसी प्रकार से रस हो गए, जैसे तो रस ऐसे मान जाते हैं कि मानो अगर अपने आप में अगर आप समझो लें कि रस क्या है, असल में अगर साधु संतों से पूछा जाए रस की क्या परिभाषा है तो वो शायद जानते होंगे तो बताएंगे कि अगर अपने आप को महसूस कर लें, कोई भी चीज को देखकर आनंद का महसूस कर लें, भावात्मक तरीके से अगर प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है कि कोई नींबू निचोड़ कर दे दिया और वो रस पी गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो रस अलग है ये रस अलग है, लेकिन उसका स्वाद आनंद जो हमारा वो पीने के बाद भी अनुभव करता है हमारा माइंड, इसी प्रकार से देखने के बाद कोई ऐसे व्यक्तियों को या फिर डांस वांस वगैरह और काफी जितने चित्र देखते हैं
उनको देखने के बाद जो आनंद महसूस होता है और उस तो उसका कार्य कौन करता है, रस ही करता है, इसलिए उसको रस नाम दिया गया, भाई हमको रस मिल गया। और छंद, अगर छंद नहीं होते तो हमारे हिंदी को एक नया रूप नहीं मिल पाता। साथ में चौपाइयों में, दोहों में इनका एक मतलब सीक्वेंस होता है, जिसकी वजह से हम हिंदी को एक क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ते हैं छंदों के प्रयोग से, क्योंकि उनके मात्राएं गिन सकते हैं, कि हम जान सकते हैं कि दोहा है या फिर रोला है या फिर चौपाई है, कुंडलिया है, सब कुछ जानने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। और छंदों के बारे में भी आपको बड़ी अच्छे टॉपिक से पढ़ाया जाएगा। और इसके पश्चात अलंकार, अलंकार का मतलब होता ही है कि अलंकृत, आपने नाम सुना होगा अलंकृत, जैसे कह देते हैं कि ये महिला बहुत आभूषणों से अलंकृत थी, तो एक प्रकार से इसको सोना भी कहा जाता है अलंकार। इसके प्रयोग क्या है जीवन में, अगर किसी वस्तु को बहुत सुंदर दिखाना हो, बहुत अच्छा दिखाना हो, तो वहां पर ये अलंकार किया जाता है उसका, उसका मतलब स्वाभिमान अलंकृत किया जाता है, जैसे कि वो सुंदर दिखे, सुंदर देखेगी, अच्छा लगेगा, तो इसलिए उसको देखा ना इसके पार्ट क्या होते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अच्छा बोलना, कम बोलना, ये सब अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए काव्य में हो या फिर जीवन में हो, अगर अलंकृत हो वो वस्तु, तो वो सुंदर या बहुत अच्छी मतलब कि नजर आती है, जैसे कि आप आकर्षित लगती है, आकर्षित लगती है, इसी प्रकार से अलंकार का यहाँ प्रयोग होता है। और विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का क्या महत्व है जीवन में, विराम चिन्ह ना होते तो हम कहीं ना कहीं गलतियां बहुत करते, कि हमको कहाँ पर ठहराव लेना है, कहाँ नहीं लेना, हर प्रकार के प्रकार मतलब विराम चिन्ह होते हैं, हाथी चिन्ह होते हैं, विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम और वगैरह जितने हैं, तो उनके बारे में विवरण सबके बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में कहाँ कहाँ पर हम वाक्य में, जैसे कवि होते थे पुराने जमाने में, तो वो लोग इस चीज का बहुत खास ध्यान रखा करते थे, कहीं मतलब कि गलती ना हो जाए, जहां पर हमें स्टॉप लेना है स्टॉप ले सकते हैं, वहां पर जहां पर आधी कही बात है, आधी कही बात में कहां पर ये वाला चिन्ह लगेगा वहां लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ये विराम चिन्ह है इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो काल, काल क्या है, अब जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस और साथ में फ्यूचर पास्ट, ये सब बोलते हैं ना, वही काल है। तो ये कालों के बारे में आपको शायद थोड़ा बहुत नॉलेज, जैसे सब कुछ पढ़ा भी होगा तो ये चीज पता होगा कि जैसे कि हम काल के बारे में आ जाता है कि भूतपूर्व और अभूतपूर्व काल कैसे कहते हैं, भूतपूर्व काल कैसे कहते हैं, हेतु हेतु मतलब भूतपूर्व या फिर भविष्य काल में आ जाता है, तो ये सब इसी के पार्ट्स हैं, सब पार्ट पार्ट बाय पार्ट होंगे, हम आपको जानकारी देंगे जब पूरी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, तो एक एक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। वाक्य शुद्धिकरण, अब ये वाक्य शुद्धिकरण जो होता है, तो वाक्य की शुद्धि मतलब कि अशुद्धियों को बाहर निकालना और उसको शुद्ध करना, वाक्य जैसे हम गलतियां कर देते हैं बोलने में, बल्कि गलतियां कर देते हैं कि हम राम जाता था, राम ने खाना क्यों क्यों और कैसे खाया, तो ये अगर उनका सेटलमेंट गड़बड़ कर दिया तो उनको शुद्ध करना है कैसे करना है, या फिर हम जो कह नहीं सकते राम का खाना खाता था, या फिर कह दे राम राम खाना खाता था कि नहीं, ऐसे शब्द अगर यहाँ वहां कर दिए गए तो वो एक अच्छा अर्थ नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता तो मतलब क्या हुआ, उसका समझने वाला भी व्यक्ति दूसरा कहेगा क्या बोल रहा है भैया। ये चीज है वर्तनी, वर्तनी का मतलब है कि हम कहाँ पर शब्द जो लिखा है वर्ण, वर्णों को एक अच्छा क्रम मिले, उनका अर्थ निकले, वर्तनी शुद्धिकरण उसे कहते हैं। तो वर्तनी को हमें सुधारा जाता है, खास करके हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अक्षर को हम समझते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार हम जानते हैं कि भाई आज हमारे पास ये सम्मान है, इस पर सम्मान इस प्रकार लिखा जाता है, हम देखते आ रहे हैं, हम जानते हैं कि सम्मान है। इसी प्रकार से अगर हम इसे कह दें सम्मान लिखना है तो नमास लिख दें, ये गलत हो जाएगा, ऐसे कहते हैं उसे शुद्धिकरण। और अनेकार्थी, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ये तो हमें सबको पता है, ऐसे तो जाने कहते, तो एक शब्द जो होता है तो उसके कई अर्थ हैं, उनको कहते हैं अनेकार्थी, अनेक मतलब बहुत सारे, तो इसके बारे में भी बताएंगे। और पत्र लेखन, पत्र लेखन की जानकारी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि यूपी TSSC और UPSC वालों को बहुत ज्यादा ये पत्र लेखन, क्योंकि ये पूछता बहुत है, जैसे राजकीय पत्र और
हम किसी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, किस प्रकार हम उसको संबोधित करेंगे, किस प्रकार से हम उनको देंगे, और साथ में आ जाता है जैसे कि मतलब कि किसी अधिकारी को देना है, जिला अधिकारी को देना है, ये जैसे सब कुछ है कि पत्र लेखन के अंतर्गत हम आपको बताया जाएगा कि पत्र लेखन असल में है क्या, और पूरी तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि जब यूपी प्लस सी और पीसीएस में क्या होता है कि उसमें लिखने को भी आता है, तो हमको ये भी पता होगा। कक्षा एक दो के बच्चों से भी सिखाया जाता है प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, या फिर ज्वर आ जाए, या फिर कहते हैं कि और उसको छुट्टी लेनी है, तो वो सब इसके बारे में बताया जाएगा। और बचपन में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है कि चलो कहीं यहाँ वहाँ रख दिया उनको अक्षर, और कहीं लिखना है उनको अपना नाम लिखना है, प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर वहाँ होना चाहिए, ये कुछ गलती हम जैसे कर जाते हैं बचपन में, करते रहे एक दो दस में जो करते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। इसमें पूरा वही लिखा जाएगा जो चीज़ तुमको ज्ञान है, और नहीं तो नंबर काट लिए जाते हैं। ये चीज होता है। उपसर्ग प्रत्यय तो आप जानते ही होंगे कि उपसर्ग क्या प्रत्यय है। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। इनका इनका मतलब ये होता है कि शब्द आधे शब्द को पूरा करना और एक अर्थ अलग से निकाल के देते हैं, जिससे लगता है कि हाँ ये नया अर्थ बना और ये अच्छा शब्द बना, ये से पता चलता है। भाषा भाषा क्या है? भाषा से ये होगा कि हम पूरे भारत की भाषाओं के बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे, भारत में, विदेश में, या फिर आपने कितनी बोलियां आई विदेशी, कितनी हमारे यहाँ की हिंदी वैदिक काल में जितनी भाषाएं थी, संस्कृत थी, या फिर यहाँ की प्राकृतिक थी, ये सब भाषाएं धीरे धीरे आती गई, और साथ में विदेशी भाषाओं का भी यहाँ पर हुआ, तो वहां मिक्सचर हो गई, तो फिर उसको संकर बोलने लगे, लुटिया जैसे बोलते थे, लुटिया उटिया, ये सब देश शब्द हैं, लेकिन क्या करें। अब जब वहां से आ गए तो लोटा वोटा कहने लगे, साथ में गढ़ी कहने लगे, या फिर कहते हैं जैसे पुर्तगाली लोग आ गए तो पुर्तगाली कैंची ऐंची का प्रयोग करवाने लगे। मतलब ये सब क्या है, मतलब कि शब्द भाषा हैं, भाषाएं की जानकारी धीरे धीरे हम इसी तरीके से करेंगे। साथ में आई जब भाषा है तभी हमको पता चलता है कि कैसे कैसे मिक्सचर हो गई हमारी सभ्यता। नहीं तो पहले कहते थे संस्कृत थी, पहले संस्कृत ही भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती थी, क्योंकि आर्यों का ही वह समय दबदबा था, साथ में आर्य लोगों की भाषा ही थी संस्कृत, संस्कृत से ही बोलते थे कुलीन वर्ग के लोग, तो इसलिए संस्कृत को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ पर आक्रमणकारी मीर कासिम जाफर जैसे लोग आए, और साथ में जैसे मोहम्मद गजनवी वगैरह, इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, इतिहास हो गया, और जैसे अभी संविधान चल रहा है, संविधान को भी टॉपिक वाइज पढ़ाता चलूंगा, और इतिहास को भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतिहास की प्राचीन से लेकर मध्य तक, मध्य से आधुनिक तक बहुत अच्छी सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, जिसकी आपको बेसिक नॉलेज है। कहते हैं यूपी यूपी पीसीएस या यूपी प्लससी को कवर करके चलेंगे, और कहते हैं दिनेश सर की मैथ है वो, उनकी मैथ बढ़िया देखिएगा, वो फेयर बनाइए, बहुत अच्छी मैथ उनकी। अब कहते हैं शब्द रचना और वाक्य रचना, इन दो में पूरी हिंदी आधी हिंदी समाप्त हो जाती है। मतलब कि शब्द रचना में इसमें क्या क्या आता है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये सब जब इसके टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर क्या क्या आता है, विकारी शब्द का अविकारी शब्द, विकारी शब्द के अंतर्गत क्या होता है, विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आते हैं। अविकारी के अंदर क्या आता है, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, ये सब आते हैं। मतलब कि उसके अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो ये शब्द रचना के अंतर्गत, शब्द की रचना, शब्द कैसे रचा गया, इसकी रचना हुई है, तो ये पूरी तरीके से इसका पूरा सिस्टमेटिक, पूरा संज्ञा सर्वनाम सबको समझ रहे होंगे कि आधी हिंदी इसी में समाहित है। वाक्य रचना, वाक्य की रचना कहते हैं, कैसे वाक्य कैसे रचित हुआ, अगर हम किसी वाक्य को हम बोलते हैं सेंटेंस देकर कहते हैं, तो वाक्य कैसे रचा गया इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि वाक्य बनाए कैसे जाते हैं। यही प्रकार है इसका कि वाक्य रचना पूरे इसमें भी समाहित है, तो इसी में वाक्य मिश्रित वाक नाम सुना होगा, वाच वाच वगैरह सभी वाक्यों के ही भाग हैं जो कि हम आपको बताएंगे। और हिंदी साहित्य रचनाएं, तो इसमें कवियों के बारे में, मतलब कितना इतिहास चला रहा, पुराने इतिहास जैसे आदिकाल, आदिकाल से स्टार्ट होता है, आदिकाल में क्या हुआ, आदिकाल में रचनाएं रही, चंद्रबरदाई लोग रहे जो वीर गाथा काल के, उसी को आदिकाल कहते हैं, और उसकी पूरी जानकारी रहेगी उस समय चंद्रबरदाई, परमार रासो और जगने का वगैरह, हमीर रासो, ये सब जितने कवि रहे, तो आदिकाल मतलब वीर का थकाल, अरे वो जी आलाउदल वाली कहानी है, तो वो हम तो यहीं के क्षेत्र के हैं, आलाउदल के तो कहानी पूरी बताएंगे,
इसीलिए उसकी पूरी आदिकाल में, फिर इसके पश्चात जितने भी चारण काल और धीरे धीरे उतरते हैं अपने अपने काल में, कवि आते हैं आज की डेट में, क्या आधुनिक काल चल रहा है, आधुनिक काल में जितने भी कवि हैं अभी भी रचनाएं कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, जैसे कि अब नाम सुना होगा ये सलमान रुचि वगैरह सब लोग हैं, ये सब आदमी कवि हैं, ऐसे प्रकार से बहुत पहले से ही चल रही है रचनाएं, उनका पूरा क्रम बताया जाएगा, उनकी रचनाएं बताई जाएंगी और क्या क्या इंपोर्टेंट हैं ये बताए जाएंगे। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, रचनाएं भरमार मची है कि भाई कितनी रचनाएं हैं, कितनी रचना लिख दी। पता चला तुलसीदास को किसी ने लिख दिया और तुलसीदास ने किसी को और लिख दिया, और पता चला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास लिखा और किसी ने हजारी प्रसाद जी के जीवन पर जो लिख दिया, तो कंफ्यूजन भी आ जाता है कि यार हमने ये चीज पढ़ा था ये किसका निकला। तो सब भाई वो फेमस राइटर रहे हैं तो उनके बारे में भी, उनका जीवन पर्चे लिख डालते हैं लोग, ये होता है। तो कुल मिला के कंफ्यूजन से भी ये दूर रहे, और ये चीज पूरे हम बताएंगे कि किस प्रकार से कौन कवि है और किसकी कौन सी रचना है और कौन सी इम्पोर्टेंस है, और उनको देखिएगा। और वो पक्का पक्का है यू पितृ प्रलस्य, ऐसा तो नहीं है कि हम उनको अगर आप हम अपने पूरे वीडियो में बताएं और वो चीज आए ना, इम्पॉसिबल भी है, हम जितना भी बताएं